मैं शर्मा चढ़ती कलर टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली की निर्भया के परिजनों से बस लुकी का मामला सामने आया है। आरोप बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर है। दरअसल निर्भया के पैतृक गांव बलिया में निर्भया के नाम पर अस्पताल बना है। अस्पताल में डॉक्टर की मांग के लिए निर्भया के परिजन धरने पर बैठे थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिस गांव में किसी ने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की तो वहां के अस्पताल में हम डॉक्टर नहीं देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रवैये से आहत निर्भया के दादा ने कहा है कि निर्भया का कोई अपमान न करे। परिजनों के मुताबिक सीएमओ ने निर्भया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि निर्भया कौन है, अगर वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो दिल्ली में क्यों गई। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को लगातार तीसरी बार देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में किया जाएगा। वर्ष 2015 में भी अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही सीएम पद की शपथ ली थी। इससे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के एलजी से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया, साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख की जानकारी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। 70 में से 62 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गदगद हैं। देश भर से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जीत दल की बधाई देते हुए केजरीवाल पर तंज कसा है। बुधवार को विजयवर्गीय ने ट्वीट पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी को जीत की बधाई निश्चित ही, जो हनुमान जी की शरण में जाता है उसे आशीर्वाद मिलता है। अब समय आ गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली के सभी विद्यालयों मदरसों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में जरूरी हो। बजरंगबली की कृपा से अब दिल्ली वासी बच्चे क्यों वंचित रहे। गुजरात के गोधरा कांड के बाद बढ़ के दंगों के वे एक मामले के में 7 दोषी जबलपुर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये सभी अब जबलपुर में रहकर समाज सेवा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद गुजरात में बढ़ के दंगे के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 17 दोषियों को इस शर्त पर जमानत दी है कि उन्हें मध्य प्रदेश के 2 शहरों में रहकर समाज सेवा करनी होगी। बाकी 10 दोषी पहले ही इंदौर पहुंच चुके हैं। वहीं इन दोषियों के साथ हुई बसलुकी के बाद इनकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। 13 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करना है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई है। इसमें सीए को लेकर प्रदेश भर में हुई हिंसा का मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वहीं सपा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी सत्र के दौरान सीए पर सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलने की तैयारी की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बुधवार को रिम्स में पिता लालू यादव से मुलाकात करेंगे। इसके लिए उन्होंने बिरसा मुंडा जेल प्रशासन से स्पेशल परमिशन ली है। रांची पहुंचने पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे दिल्ली चुनाव में आरजेडी के चारों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है दिल्ली में बीजेपी को हार मिली है। इससे पहले पटना में तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिली बंपर जीत पर बधाई दी। आपकी जीत के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता ने नफरत की राजनीति को प्राप्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी नए विधायक अपने नेता का चुनाव करने के लिए केजरीवाल के घर पर पहुंच चुके हैं। केजरीवाल के घर होने वाली इस बैठक के बाद दिल्ली की नई सरकार के गठन के बारे में जानकारी सामने आ सकती है। इस बैठक के बाद केजरीवाल की नई सरकार के मंत्रिमंडल की तस्वीर भी साफ हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर विपक्ष भी बधाई दे रहा है। चुनाव में एक सीट भी ना पाने वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली का परिणाम विपक्ष का हौसला बढ़ाने वाला है। चिदम्बरम के ट्वीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिष्ठा मुखर्जी ने पूछा कि सम्मान के साथ चिदम्बरम सर, मैं बस जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने राज्यों में बीजेपी को हराने का काम आउटसोर्स किया है क्या? यदि नहीं तो फिर हम अपनी हार की बजाय आपकी जीत पर गर्व क्यों कर रहे हैं, और यदि आउटसोर्स किया है तो हमें अपनी दुकान को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि काम करने वालों की जीत हुई है और नफरत फैलाने वालों की हार हुई है। पटपड़गंज के कांटे के मुकाबले पर उन्होंने कहा कि खुशी है कि पटपड़गंज में बहुमत ने प्यार की राजनीति वालों के साथ दिया और हालांकि नफरत फैलाने की काफी कोशिश की गई थी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत और एनडीए की हार से उत्साहित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता को बधाई दी है। अब उनके नजदीकी कह रहे हैं कि जेडीयू के विधानसभा में 2 सीटों पर हराकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट भेजा है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने पीके के कई मुद्दों पर मतभेद होने के बाद पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। आप पार्टी की जीत के बाद पीके ने अब करीबियों को बताया कि दिल्ली जीत के बाद बंगाल नहीं बल्कि बीच रास्ते में बिहार भी आता है। पीके 18 फरवरी को बिहार जाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कलर टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।